तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है ब्रांड वीडियो के साथ। और फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आपके और आपके फैमिली को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी फैमिली में सबको बहुत खुश रखे इस दिवाली अवसर पे, इस दिवाली के खुश पावन अवसर पे, महापर्व पे। ठीक है गाइस, तो अब मैं ये गाड़ी लेके आ गया हूँ, आप लोगों को ये गाड़ी दिखा रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है गाड़ी? बिल्कुल जेट ब्लैक लेके आया हूँ और इसका मॉडिफिकेशन वगैरह थोड़ा किया हूँ, थोड़ा सा अच्छा। आप लोगों को इसका साउंड सुनाता हूँ पहले, इसकी साउंड क्वालिटी आप लोग देखो। तो एग्जॉस्ट वगैरह नया लगाया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये गाड़ी। और काफ़ी कूल सा डिज़ाइन है ना, काफ़ी कूल सा डिज़ाइन मैंने लेके आया है इस पर। इसका इंटीरियर अगर आप देखो तो काफ़ी कूल सा इंटीरियर वगैरह है ना, देख रहे हो, काफ़ी कूल सा है। तो बहुत अच्छा सा लेके आया हूँ इस बार गाड़ी, और कुछ अलग लेके आने की कोशिश किया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ अलग आप लोगों के लिए कंटेंट लाता हूँ, तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है गाइस, तो इसको आप लेके चलते हैं थोड़ा पब्लिक रिएक्शन और पब्लिक रेस पे, पब्लिक के डिमांड पे थोड़ा रेस करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट भी आया था कि भाई आप इस टाइप की गाड़ी कुछ लेके आओ, तो मैं इसीलिए इस टाइप की गाड़ी लेके आया हूँ इस बार। तो देखता हूँ इस गाड़ी को लेके चलते हैं रोड पे और इसकी स्पीड टेस्ट वगैरह करके देखते हैं कि कैसी है ना। काफ़ी शाइनिंग लग रही है, देखो इसकी लाइट, मतलब काफ़ी शाइन, देख रहे हो, ऐसे लग रहा भाई साहब क्या प्रीमियम गाड़ी लग रही है, क्या प्रीमियम, देख रहे हो, काफ़ी प्रीमियम। कोई ठोक ना दे मुझे इसकी प्रीमियर के चक्कर में, पता चलेगा ठोक दिया कोई, ठोकेगा इसकी सारी प्रीमियम क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी है ना। बट आप देख लो भाई क्या लग रही है गाड़ी, मतलब बिल्कुल अलग ही, अलग ही। आज दिवाली के अवसर पर मैं ब्लैक लेके आया हूँ, मेरा गेटअप या गाइस देख लो, आज मैं फुल सा और ट्रेडिशनल वेयर पहने हुए, कुछ एथनिक पहन के आया हूँ है ना, कुर्ता उर्ता तो ये सब पहन के आज खेल रहा हूँ गेम। तो पहले चलते हैं, रेस करते हैं थोड़ा सा, कुछ हाथ एक जगह फाइंड करते हैं, कुछ नया कंपटीशन करके देखते हैं आज। काफ़ी देख रहे हो इसको, स्पीड इसका देख रहे हो भाई, बहुत जल्दी पकड़ रहा है स्पीड, बहुत काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे तो काफ़ी। ओ हो, ठुक मत जाइए, ठुक मत जाइए, देख रहे स्पैच, मतलब इसको संभालना मुश्किल हो रहा है कि इतनी स्पीड गाड़ी चल रही है। सो पूरा फास्ट एंड फ्यूरियस वाली गाड़ी है ये, हाँ बिल्कुल वही गाड़ी है, देख रहे हो, देखो थोड़ी अभी ठुकी नहीं है, फिर भी कल से स्केच आ गई इसमें, अभी तो कहीं ठुकी नहीं है, अभी कहीं ठुकी नहीं, फिर भी स्केच आ गई, देख रहे हो भाई, पता नहीं क्या हो गया इसको, बिना ठुकते ही स्केच आ गई, कैसे भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, अभी ठुक जाता है बंदा। बट मुझे बहुत अच्छी लग रही है भाई इस पे, जो ये ब्लैक ब्लैक करके, जो ये रेड ब्लैक पे, जो रेड करके ऐसे करके जो लाया हुआ है राउंड सा, ये तो और भी अच्छा लग रहा है, कुछ अलग, मतलब कुछ अलग सा ही चीज़ क्रिएट करके दे रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। देखो इस बंदे ने आकर ठोकी दिखाई, मगर मैं भी हराम पर कम नहीं, देखो गाड़ी बर्बाद तो कर ही दिया है, बट कोई नहीं, मैं भी थोड़ा सा उसको दिला दिया हूँ, दिखा दिया हूँ कि अपनी भी क्या औकात है। यहाँ पे कुछ था अभी थोड़ी देर पहले, मैं आया था तो देखा था कि कुछ है, तो आप लोगों को भी दिखाने के लिए लेकर आ रहा हूँ, आया हूँ तो देखता हूँ यहाँ है क्या एक्चुअली, क्योंकि मुझे ऐसे ही इस टाइप से थोड़ा सा देखना था कि मुझे इस सब जगह पर गाड़ी चला के देखना था कि कैसा लग रहा है भाई। स्केट तो कर रही है, काफ़ी स्केट कर रही है, ए भाई देखो बंदा लेके आ रहा था नहीं था भाई, मतलब देखो गाड़ी गाड़ी कैसी होगी, तो पूरी डस्ट डस्ट हो गई, पूरी डस्ट दो मिट्टी से, देख रहे हो गाड़ी मतलब भागती है भाई। ओ ये देखो हैमर लेके चल रहा है, मेरा लास्ट वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मैं उसमें हैमर ही लेके आया हूँ, हैमर को ही मतलब हैमर से ही रेस किया हुआ, मुझे बहुत अच्छी लगती है लिटरली, पर्सनली बताओ तो बहुत अच्छी लगती है मुझे हैमर, एक बता देख रहे हो कितना भयंकर गाड़ी लेके जा रहा है। तो पर्सनली आई रिकमेंड करूँ तो हैमर भी बहुत अच्छी गाड़ी है, तो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था हैमर को बहुत अच्छे उसके व्यू आए थे, बहुत दोस्तों ने कमेंट किया था कि भाई बहुत अच्छा बनाया हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है तुम्हारा वीडियो, बहुत भाई उसका कमेंट आया था, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा था उस वीडियो को, देख रहे भाई कितना शानदार कार लेके आया हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताओ तो मैं भी वो कार लेके आऊँगा, मेरे पास लिया है, मैं अभी मैं एक वीडियो में सिर्फ उस कार को यूज़ किया हूँ, तो आप लोग बताओगे तो मैं उस कार को भी लेके आऊँगा, उसको भी यूज करूँगा भाई। तो आप लोग कमेंट करके बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, जितना ज़्यादा कमेंट होगा उतना ज़्यादा मैं नई नई गाड़ी लेके आऊँगा, नई नई गाड़ी में आप लोग का स्टंट दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है भाई, और नई नई गाड़ी खरीदूँगा, बस आप लोग साथ बनाए रहो, सपोर्ट करते रहो कि हाँ कौन सी गाड़ी का आप लोगों को करनी है, कौन सी गाड़ी का आप लोगों को देखना है वीडियो, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग गाड़ी लेकर आया करूँगा कि हाँ आपको इस गाड़ी को देखना है तो मैं उसी गाड़ी को लेकर आया करूँगा, आप लोगों के रिकमेंडेशन पे, आप लोगों के डिमांड पे, जैसा भी बोलोगे आप लोग वैसा ही मैं करके लाऊँगा, सेम वही गाड़ी के लिए बनाऊँगा वीडियो,
तो भाई आप लोग ये बताओ कि आप लोग कमेंट करके ये बताओ, ये भी बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है अभी। अगर मुझे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी बताओ कि मैं अच्छा कर पा रहा हूँ कि नहीं। देखो स्कैट करने की कोशिश क्यों, एक बंदा देखो सीधा एकदम स्ट्रेट जा रहा है। चलो उसी के पीछे चलते हैं, उसके पीछे हम आगे चलते हैं, हम किसी के पीछे क्यों जा रहे हैं। अच्छा एक गाइस एक बात बताओ, दिवाली आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा सेलिब्रेशन चल रहा है, आप लोग इस बार घर गए कि नहीं गए? क्योंकि दिवाली एक ऐसा पर्व है, जैसे देखो मैं इस बार क्या ना घर नहीं जा पाया भाई, बहुत प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ। प्रॉब्लम क्या हो गई कि एक्चुअली मैं ऑफिस में लीव लिया था दिवाली से छठ के लिए, और आप लोगों को पता है बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कुछ फेमस है तो छठ, लिट्टी चोखा और छठ। तो मेरा छठ पर्व था, बहुत महापर्व आया हुआ था। तो मेरे बॉस ने क्या हुआ, मेरा टिकट था, मेरा सब कुछ था गाइज, है ना, हर चीज़ था, टिकट कटवाया हुआ था, इतने मंथ पहले से टिकट लेके रखा था कि मुझे, बट मैं बीमार पड़ा था। आप लोगों को गाइज पता है कि मैं बीमार पड़ गया था बहुत टाइम के लिए, मुझे डेंगू और भी पीलिया वगैरह हो गया था, तो बहुत दिन तक मैं बीमार था। इसके वजह से क्या ना मैं लीव सिक लीव पे चला गया था, तो मेरे बॉस ने क्या है ना छठ पूजा के लिए मुझे लीव नहीं दी, तो मैं घर नहीं जा पाया। तो इस बार मैं यही हूँ और आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो बनाने के साथ साथ क्या होता है आप लोगों का मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा है। माँ पापा सब लोग घर पे हैं, बट मैं सिर्फ यहाँ दिल्ली में अकेले हूँ, कोई है नहीं, तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था। तो मैं भी चलो सोच रहा दिवाली की रात में क्या करूँ, तो गेम खेल रहा हूँ। मैं सोचा कि चलो अपने यूट्यूब फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, दिवाली मनाते हैं। तो आप लोगों के साथ आ गया दिवाली मनाने के लिए गई, तो यही है। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे छठ पूजा में घर जाना, बट नहीं मिला गई छुट्टी, कॉरपोरेट वर्ल्ड है सर, प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब में तो क्या ही कर सकते हैं, यही बात है, प्राइवेट नौकरी में मिला नहीं मुझे। तो फिलहाल वही बोल रहा था मैं वहाँ था कि दिवाली एक ऐसा पर्व है जहाँ पे आप कितना भी घर में रह लो, कुछ भी कर लो, बाहर जब पटाखे बजने की आवाज़ आती है बाहर से, तो आपको घर की याद आती ही आती है। कुछ भी कर लो आपको घर की याद आती ही आती है, माँ का बनाया हुआ खाना वो सारी चीज़ें, तो मतलब एक अलग सी खुशबू होती है घर पर, एक अलग सी वाइब्स होती है घर पर। तो मुझे वो वाइब्स इस साल तो नहीं मिली गई, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर मैं प्लान करूँगा घर जाऊँगा, क्योंकि एक साल हो जाता है हम लोगों को घर जाए हुए, एक साल से ऊपर हो जाता है, तो एक साल में एक बार ही घर जाने को मिलता है, इस बार वो भी नहीं जा पाया, तो क्या ही बताऊँ गाइस, थोड़ा सा ख़राब लगता है चीज़ को, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अपने हाथ में है नहीं। दूसरे का नौकरी करते हैं, दूसरे का नौकरी में तो यही होगा भाई, अपना तो बिजनेस है नहीं कुछ कि हाँ भाई कि चलो कोई नहीं बिजनेस है तो कुछ कर लेंगे, बट नौकरी है तो नौकरी में भाई यही सब झेलना पड़ता है, यही सब देखना पड़ता है। बट कोई बात नहीं गाइज, आप लोग अपने फैमिली के साथ मस्त इन्जॉय करो, मस्त घूमो फिरो, मस्त खाओ पियो, इन्जॉय करो, पटाखे जलाओ, फुलझरिया जलाओ, खूब मस्ती करो, इतना मस्ती करो, इतना जियो अपने लाइफ को, मतलब इतना जियो कि दूसरा देख के बोले कि भाई साहब इसको क्या हुआ है ऐसा जो इतना जीना। और आप लोग एकदम ज़िंदगी को ऐसे बहुत खुल के जियो, बहुत ज़्यादा खुल के जियो, ठीक है गाइज, बहुत ज़्यादा खुल के जियो। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जितना हो सके उतना जीने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना जीने की कोशिश करो, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत मतलब ऐसा है ना, आप सोचोगे कि मैं सोचूंगा कि मैं घर नहीं गया, मुझे बुरा लग रहा है, लिटरली ऐसा नो डाउट, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं घर नहीं गया, बट मैं अगर उसको ले करके रखूं कि चलो मैं घर नहीं गया, तो मुझे भी लगेगा कि अरे यार मतलब क्या ही कर रहा हूं, क्या ही, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैं चलो कोई नहीं घर नहीं गया, इन्जॉय करता हूँ, घूमता हूँ, खेलता हूँ, गेम खेलता हूँ, सारी चीज़ें करूँगा, खुद ब खुद सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, है ना गाइस। तो चलो समय के साथ हो जाएगी ठीक, आज दिवाली या दिवाली से छठ तक थोड़ा ख़राब लगेगा मुझे कि हाँ मैं घर क्यों नहीं गया, हमारे बिहार में सबसे बड़ा पर्व है, और यही सब चीज़ है, इससे अच्छा कुछ अपना कर लेता, कुछ अच्छा बन पढ़ लिया रहता, गवर्नमेंट जॉब रहता, बहुत सारी चीज़ें, बट प्राइवेट जॉब में तो भाई आपको करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो आपको, कॉरपोरेट में तो यही तो करना पड़ता है गाइस। तो बस यही है हमारी कहानी, हमारी इस दुख भरी छोटी सी, इस खुशी भरी ज़िंदगी में छोटी सी एक दुख भरी कहानी, तो क्या कर सकते हैं। ओ भाई गाड़ी देख रहे हो कैसे स्कट कर रही है, मैं इसको रोकूंगा नहीं जहाँ, चलो इसका स्पीड टेस्ट करते हैं, इसका स्पीड टेस्ट करके देखता हूँ स्पीड टेस्ट में कितना तक जाता है। पटाखे के बाद आप लोग आ रही होगी गाइस, इसके साथ साथ में स्पीड टेस्ट करते साथ साथ में आप लोग बताएं दिवाली की कहानी कि आप लोग दिवाली में अभी क्या कर रहे हैं, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं,
दिवाली आप लोगों को कैसा लग रहा था, अपने अपने घर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। मेरी तरह तो सब नहीं होंगे, सब लोग घर आई होप पहुँचे होंगे, भगवान करे सब लोग अपने अपने घर पे हो, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, वो ही काफ़ी अच्छा होता है वो चीज़ें। चलो बस स्पीड टेस्ट करके देखता हूँ, अरे यार क्यों आ जाता है सामने शाम, थोड़ा सा कटौत मार के देखता हूँ। चलो अब चलते हैं, रेस स्टार्ट, लेट्स बिगिन, स्टार्ट स्टार्ट। हम बोल रहे हैं ना ये जाएगा सीधा, देखिए सीधा जाएगा बिल्कुल, इसको स्टार्ट कर दिया हमें, ठीक है भाई। अब इसको रेस इसके साथ करूँगा, हम चलते हैं एकदम मस्त से, मैं और मेरा गाड़ी, मतलब हम, समझ गए भैया, कहो भैया समझ गए लो, तभी लो समझ जा, ए राजा, ए बाबू बाबू, चला सीधे, कहाँ जाते रहो, चलेगा सीधे गुंडा, जा नहीं रहा है ससुरी, स्पीड कम क्यों हो रहा है, 190 से ऊपर नहीं जा रहा है, इस गाड़ी में स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ 190 से ऊपर नहीं जा रहा है। चलो मतलब इस गाड़ी को और भी मॉडिफाई की रिक्वायरमेंट है, मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है गाइस, तो इस गाड़ी को और भी मॉडिफिकेशन करता हूँ। आप लोग बताओ कमेंट करके कि कैसा लग रहा है ये वीडियो, आई होप अच्छा लग रहा होगा। मेरा घर आगे सामने दिख रहा है, तो हम लोग घर पर जाएंगे भाई, सब देखो कितना तोड़ दिया ऐसे करके पूरा तोड़ दिया, देख रहा सामने से पट पट मार दिया मैंने, ओ इसका पूरा सिस्टम ही गेम घुमा दिया। हाँ इधर जाना भाई, सीधा नहीं जाना, इधर जाना, हम अपने चलते हैं घर की ओर, घर पे जाते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं और आराम से ठंडा ठंडा भोजन करते हैं, और इन भाई बंधुओं को भी छोड़ते हैं कि भाई बंधु भी अपना घर पे जाकर आराम से ठंडा ठंडा भोजन करेंगे, और दिवाली में दिवाली का मज़ा उठाएंगे, पटाखे जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। ओ भाई ये तो ठुकरा इंसान का गाड़ी जा रहा था, देख रहे भाई ठुकरा इंसान का, आप लोग जानते हो ना ठुकरा इंसान, देखो अभी ठुकरा इंसान गाड़ी लेकर जा रहा था अंदर, ठुकरा इंसान का गाड़ी मिल गया मुझे, ओहो चुक 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 चुक, ओहो चुक 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 चुक। ओ भाई कौन है, कौन है, कौन है रे गुंडाई, ऐसा गाड़ी लेकर चल रहा है, देखे तो समझ गए चल के गाड़ी लेकर चल रहा है रे दादा, गजबे गाड़ी सब लेकर घूम रहा है लड़का सब, ठोकते हुए जा रहा है, इजी 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 ब्रो ब्रो इजी ब्रो इजी, हाँ गुड इजी इजी ब्रो, शक्का लक्का बूम शक, अबे कितना इससे आ रहा है, मुझे घर पे जाने देते, मैं तेरे से कोई मतलब नहीं, मुझे घर पे जाने दे, मेरा घर आ गया, अपने घर में पार्किंग करता हूँ गाड़ी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिवाली में मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के आग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे 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 राम आएंगे। भाई सब देख रहे बंदा लोग कितना स्पीड में गाड़ी लगा है, ओहो ये गाड़ी गाना जो है, सॉरी ये गाना जो है स्वाति मित्तल नाम है, शादी स्वाति सिंह है, स्वाति मित्तल इतना याद नहीं मुझे, बट भाई ये गाना जो गाई है ना, मतलब इतना अच्छा गाना लगा, लिटरली बता रहा हूँ इतना अच्छा गाना है ना, बताओ मैं झोपड़ी के भाग आज हो गया, देखो समुद्र कितना हरा पानी, कितना स्वच्छ पानी, ओ भाई क्या स्पीड में गाड़ी जा रहा है, मेरा बैलेंस खराब कर दिया उसने, बता अबे चल तोड़ दे दुश्मन की नली, जय जय बजरंग बली। अब हम आ गए हैं,
मौजूद जाते रहते। तो गाइज कैसे आप लोग, देखिए हमारा गाड़ी आ गया अपने जगह पे, अब हम पार्क में लगा दिए हैं गाड़ी को, हमारा गाड़ी पार्किंग हो गया। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना गाइज, ठीक है गाइज। तो फिर इससे रिलेटेड मैं और भी नया नया अनमोल लेके आऊँगा। वंस अगेन हैप्पी दिवाली आप सभी को, आप लोग फैमिली को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइज, ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।